जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक हो। खबरदार, आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, ना अहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। जियाले कायद की तीरंदाजी, बजट और हुकूमत पर ताक ताक के निशाने लगाए। कहा, अगर हुकूमत ने भी ऑपोजिशन ही करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा। समझते थे मईशत की तरक्की की झूठी कहानी गालम गलोच से सच साबित कर देंगे। मजदूर को पता है आपकी मौशी तरक्की का दावा झूठा है। पाकिस्तान महंगाई में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से भी आगे है। हमारे दौर में भी महंगाई थी, हमने आपकी तरह आवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था। कहा, आप किस मुंह से अपने हलके में जाते हैं। हमारे हलके में कुत्ते काटने की कोई बीमारी नहीं फैली हुई। हमारे हलकों में ऐसे हालात नहीं है कि जैसे मोहनजोदड़ो में 3000 साल पहले आसार कदीमा होते हैं, वैसे जाओ तो हैं। और वैसे कहने को बड़े बड़े मजार भी बने हुए हैं और वैसे कहने को बड़े बड़े महलात भी बने हुए हैं। 4% ग्रोथ पर तकलीफ इसलिए कि इनके 5 साल दौर में कभी इतनी ग्रोथ हुई ही नहीं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी के दौर में तो महंगाई की शरह 21% से 11% तक रही। तेल महंगा नहीं किया, दुनिया भर में सबसे सस्ता तेल पाकिस्तान में है। कहा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में कोई टैक्स नहीं लगाया। पहले बजट पढ़कर आए। आप इस होने वाले जाल को जो कि शहर में 30-35 साल से डाला जाता रहा है कि धोखा देकर, और जब जब मुझे कहने की इजाजत दीजिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आती है, इस तरीके वारदात में और तेजी से इजाफा हो जाता है। कराची में तजावजात की इजाज़त देने वाले ही आज इसे गिरा रहे हैं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है इस तरीका वारदात में इजाफा हो जाता है। जाली लीज देकर गरीबों को धोखा दिया गया है। कराची के हर इदारे में 70 से 90% लोग कराची के हैं ही नहीं। वजीर बराए इतलात नासिर हुसैन शाह का जवाब। कहा, MQM हर मामले में लिसानियत ले आती है। तजावजात करवा कर शहर का बेड़ा गर्क कर दिया, रोज आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। और कराची में समंदरी हवाएं बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम में हल्की बारिश का इम्कान, गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं।